पति से बेदखल होने पर अपने प्रेमी की हत्या। महिला ने इस हत्याकांड के लिए अपने दो नए प्रेमियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए मिले सुराग से पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश किया। हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए देकर पुरस्कृत किया। कानपुर के गोविंद नगर निवासी मुन्ना का कन्नौज के इंदरगढ़ की विधवा महिला रजिया बेगम उर्फ रेनू से प्रेम संबंध थे। कुछ साल से विधवा महिला मुन्ना के साथ पत्नी की तरह लिव इन रिलेशन में रह रही थी। कुछ दिन पहले मुन्ना की हरकतों से परेशान होकर उसके परिजनों ने उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया, जिसके बाद वह आर्थिक रूप से परेशान रहने लगा। प्रेमी के पास रुपयों की कमी हुई तो लिव इन रिलेशन में रह रही प्रेमिका कन्नौज चली आई। यहाँ इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के लाख गांव में उसके दो अन्य लोगों से प्रेम संबंध हो गए, लेकिन मुन्ना हमेशा उसे अपने साथ रखने पर अड़ा रहता है। पुराने प्रेमी से परेशान हो प्रेमिका ने दोनों नए प्रेमियों के साथ मिलकर मुन्ना को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 6 सितंबर को कानपुर से बुलाकर तीनों ने उसे जमकर शराब पिलाई, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव की पहचान मिटाने के लिए तीनों ने उसे पत्थर से भी कुचला, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई चोरों की तस्वीरों ने हत्या का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने महिला समेत तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कन्नौज एसपी में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने वाली एसओजी व इंदरगढ़ थाना पुलिस टीम को 25,000 रुपए के इनाम से पुरस्कृत भी किया गया। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में जिसके खेत में एक डेड बॉडी मिली थी, उसके जो चेहरा था वो सूजे हुए थे। पास में कुछ ईंट मिला था, जिस ईंट से कुछ उसका कर मारा गया था। उसके गर्दन में वो भी गमछा भी था। उसी जहाँ के डेड बॉडी मिली थी, वहीं पास में जो सीसीटीवी कैमरा देखा गया था, उसमें भी देखा गया 4 लोग जाते हुए दिखे गए और वापस आते समय केवल 3 लोग दिखाई दिए। उस घटना को अनावरण करने के लिए इंद्रगढ़ की टीम और एसओजी की टीम को एसपी महोदय ने इसको लगाया था और इसकी क्लोज सुपरविजन में सभी जो टेक्निकल बिंदु पर इसमें छानबीन की जा रही थी। मौके पर लोगों से बातचीत करके ये हमने इनमें 3 अभियुक्त जो है इसमें पकड़ा है, जो मृतक है। मृतक के साथ में एक रहने वाली महिला है जो उनकी पत्नी के रूप में रह रही थी। मेन उन्होंने ही इस पूरे मर्डर का प्लानिंग किया था। वो जो मृतक व्यक्ति से परेशान थे, उसको राह से हटाने के लिए इन्होंने अपना प्लानिंग किया था। कानपुर से लेकर के उसको यहाँ आई थी। एक लड़का हमारे यहाँ का इंद्रगढ़ के थाना तक रहने वाला है, जो वही घटनास्थल के आसपास के गांव है, लाख बगूसी के पास रहने वाला है। उसने इस घटना को और अपने साथियों के साथ अंजाम किया। उस घटना में जो तीन अभियुक्त जो लेडीज दिखाई दे रही हैं वो और दो व्यक्ति एक जितेंद्र नाम करके व्यक्ति है, एक मन का व्यक्ति है, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन लोगों ने घटना को स्वीकार कर लिया है। इनको आज मेडिकल कराने के बाद से माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका हत्या इसलिए की गई थी कि महिला जो है इसको अपने राह हटाना चाहती थी। ये लोग उसको कानपुर से ले आए, प्लानिंग के तहत में दारू पी के फिर खेत में ले गए। पर इसमें गला इसका जो रुमाल पहना था, रुमाल से गला इन्होंने दबाया, गला घोटा और फिर इसके चेहरे पर ईंट से वार कर दिया। इस तरीके से हत्या इन्होंने इन लोगों ने की थी। ये पूरे घटना को सफल अनावरण करने के बाद एसपी महोदय ने जो हमारी टीम है, इंद्रगढ़ की टीम है और पूरी एसओजी की टीम है, 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। थैंक यू। इनको सबको ले जाइए, बैठाइए और दरोगा जो कहिए लेके जाए, आप रुक जाइए, दरोगा जो कहिए कि लेके जाए वहाँ पर। ठीक सर, मेडिकल करा दिया, अब जाए मेडिकल करा लीजिए। ठीक है, रिमांड आइए आइए वाला आइए आइए क्या है बोल रहे इनके। यहाँ फोटो सबको खिंचवाओ भैया, जैसे महिला का ढक दीजिए, चेहरा ढक दीजिए। कन्नौज से यस त्रिपाठी की रिपोर्ट।